एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला से, जहां बीजेपी की स्वाभिमान तिरंगा यात्रा। स्वाभिमान तिरंगा यात्रा की यहां शुरुआत हुई है। गृह मंत्री अनिल विज के नेतृत्व में यहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। नेताजी सुभाष पार्क से शुरू हुई यात्रा, गृह मंत्री अनिल विज ने शहीदों को यहां पर याद किया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश के हर हलके में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, और इसी क्रम में आज अंबाला में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज के नेतृत्व में यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि अंबाला में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बीजेपी की स्वाभिमान तिरंगा यात्रा ये 1 अगस्त से शुरू हुई है और 15 अगस्त तक जारी रहेगा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज हाथ में तिरंगा लेके इस तिरंगा यात्रा में शामिल है। बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं, बीजेपी के स्वाभिमान तिरंगा यात्रा आज अंबाला में हो रही है। गृह मंत्री अनिल विज के नेतृत्व में यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। नेताजी सुभाष पार्क से शुरू हुई ये यात्रा, और गृह मंत्री अनिल विज ने शहीदों को इस मौके पर याद किया, उन्हें नमन किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, बीजेपी प्रदेश के हर हलके में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, और उसी क्रम में आज अंबाला में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। क्या इस वक्त अभी भी तिरंगा यात्रा जारी है, और वहां पर अभी क्या माहौल है? जी बिल्कुल, ये 1:15 के करीब जो है हरियाणा के गृह मंत्री के नेतृत्व में जो है नेताजी सुभाष पार्क से तिरंगा यात्रा निकाली गई है, और ये अंबाला छावनी के विभिन्न बाजारों से होती हुई अब कुछ ही क्षण में जो है वापिस सुभाष पार्क में पहुंचकर खत्म होने वाली है। और इसके बाद जो है गृह मंत्री जो है जनता से रूबरू भी होंगे और अपने विचार भी रखेंगे। इससे पहले भी यात्रा शुरू होने से पहले उन्होंने शहीदों को नमन किया, और उन्होंने कारगिल युद्ध का भी इसमें जिक्र करते हुए कहा है कि जैसे तिरंगा लेकर ये हमारे वीर सैनिक ऊपर जा रहे थे, और पाकिस्तान वाले जो किस तरह उनपे गोलियां बरसा रहे, लेकिन बाद में पाकिस्तान को जो है वहां शिकस्त झेलनी पड़ी है, इसी तरह उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी अपनी जगह पे सुदृढ़ है, और अपने विचारों से और अपने जो कार्यकर्ताओं के साथ उल्टी देखी ना हो, इसको लेकर जो है वो स्पष्ट नजर आए। जी, इसको लेकर वो स्पष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हर तिरंगा यात्रा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी ओपी धनखड़ वो भी शामिल होते हैं, क्या अंबाला में भी वो शामिल होंगे? जी नहीं, बिल्कुल, यहाँ तो जिला प्रधान और मुख्य यात्रा जो है वो गृह मंत्री अमित विज के नेतृत्व में ही निकाली गई थी। और इसमें सबसे बड़ी अहम बात बता दें कि अभी यहाँ पंचायत चुनाव और नगर परिषद के चुनाव भी होने हैं, और कुछ लोग इसको इसके साथ भी जोड़कर देख रहे हैं कि ये भाजपा अपना दमखम दिखा रही है कि वो आने वाले चुनाव में किस तरह से जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। ठीक है राजकुमार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।